नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अपने आप को तनाव मुक्त और तरोताजा रखने का सबसे बेहतरीन विकल्प है मेडिटेशन, यानी ध्यान करना। ध्यान लगाने से मन शांत होता है, साथ ही दिमागी तौर से हम ताजा हो सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए हमेशा एक शांत जगह की तलाश होती है, जहां पर बिना किसी अड़चनों के ध्यान लगाया जा सके। कई लोग ध्यान लगाने के लिए मेडिटेशन की क्लास लेते हैं, तो कुछ लोग ध्यान लगाने के लिए घर से बाहर कोई जगह तलाशते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर पर ही ध्यान लगाते हैं। अक्सर हर कोई ये सोचता है कि घर पर कैसे ध्यान लगाया जाए, लेकिन आपको बता दें, घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान यानी कि मेडिटेशन किया जा सकता है। शांत जगह तलाशें। अगर आप घर पर ही ध्यान लगा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक शांति वाली जगह तलाशनी होगी। आप जहां पर भी ध्यान लगाने के लिए बैठे, वहां कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको ध्यान लगाने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सीधा बैठे। ध्यान लगाते वक्त आपको हमेशा सीधा बैठना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, अपनी रीढ़ को बिना अपने शरीर पर दबाव डाले सुविधानुसार सीधा रखें। सबसे पहले आप वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। बैठने की स्थिति में ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ सीधी रहे, ताकि आप सही से सांस ले सकें। वहीं अगर आप किसी वजह से इन आसनों में बैठ पाने में समर्थ नहीं है, तो कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम से बैठे। आप हमेशा ध्यान लगाने से पहले अपने पूरे शरीर को आराम की अवस्था में ले जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ताकि सभी मांसपेशियों को आराम मिल सके। सुनिश्चित करें कि पूरा शरीर आराम की अवस्था में हो। ध्यान केंद्रित करें। आप अपने मन में एक किसी की कल्पना करना शुरू करें। अपने आप वस्तु का आकार, रंग और बनावट में कल्पना करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको आराम और शांति महसूस होगी। वहीं आप किसी ऐसी चीज या विचार पर भी केंद्रित कर सकते हैं अपना ध्यान, जो आपको सुख का अनुभव देता हो। सकारात्मकता बनाएं। अगर आप पहली बार ध्यान लगा रहे हैं, तो आपका ध्यान केंद्रित होना, वो भी सकारात्मक विचार की ओर, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए जरूरी होगा कि आप मन में संतुलन की अवस्था को बनाने की कोशिश करें और मन को भटकने न दें। अगर मन किसी कारण भटक जाए, तो उसे दोबारा केंद्रित करने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।